Yes, friends. Now, first of all, write down the first type of MCQ, that is arrange in sequence. Arrange in sequence or according to chronological order. Chronological order का मतलब होता है year, year wise. ठीक है? And इसके लिए अब आपको क्या करना है? अब आप ये मत सोचो कि MCQ का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक statement होगी. And four answers will be given. आपको at least एक MCQ को समझने में ही एक दो मिनट लगेंगे, then answers को समझने में भी time लगेगा. Tricky MCQs will be there. So अगर आप CBSE का जो practice papers हैं या जो भी practice papers जितने भी market में available हैं, उसमें जितने भी बच्चे आप revision test papers देखोगे ना, तो MCQs अलग अलग type के हैं. First is sequence, arrange in sequence. अब मैं आपको answers नहीं बताऊंगी. ठीक है, आई विल गिव यू सम ऑफ द स्टेटमेंट्स, देन यू हैव टू मेक योर माइंड कि आप इनको जो है वो ईयर वाइज कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ. ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको आंसर दूंगी तो इट विल नॉट बी इजी फॉर यू टू थिंक. ठीक है, आपने खुद सोचना है. अब आंसर्स विल बी गिवन इन योर ग्रुप्स. ग्रुप्स का मतलब होता है ए बी सी डी. मैच द कॉलम्स का मतलब क्या होता है, ए एंड बी अलग अलग होंगे और उनको मैच करके ग्रुप विल बी गिवन टू यू. अब उनमें से आपको अपना पहले अपना मैच करके ग्रुप बनाना है, फिर आपने देखना है कि जो चार ऑप्शंस हैं उनमें आपका ग्रुप कौन सा राइट आंसर. देन यू हैव टू टिक दैट ऑप्शन. क्लियर? लाइक फॉर एग्जांपल हियर ए एंड बी, लाइक 1 2 3 4 यहाँ पे है ए बी सी डी. ठीक है, ऑप्शंस आपने मैच कर दिए, सपोज कोई भी ऑप्शन है. अब आपको पता लग गया कि 2A फर्स्ट जो है दैट इज बी, 3D 4C. Various kind of options will be there, A, B, C, D. आपको मैच करके जो राइट आंसर होगा ना उसको जो है वो मैच करेक्ट करना होगा. ठीक है, ये हो गया अरेंजिंग सीक्वेंस. अब ये कैसे आ सकता है स्टेटमेंट्स में, आपको बता रही हूँ. राइट डाउन द स्टेटमेंट्स. नंबर वन, आंसर अभी नहीं आपने बताना एक दूसरे को, पहले स्टेटमेंट्स लिखो और उसके बाद आप, मैं आपको टाइम दूंगी तब आप आंसर लिखो. वेट फॉर 1 मिनट. सम स्टूडेंट्स यार वेटिंग. कृष्णा, जयंत, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है ईयर वाइज, डेट वाइज. ठीक है, यस. नंबर वन, इंडिपेंडेंस ऑफ मैक्सिको. इंडिपेंडेंस ऑफ मैक्सिको. नंबर टू, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इम्प्लीमेंटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिपेंडेंस ऑफ जिम्बाब्वे. इंडिपेंडेंस ऑफ जिम्बाब्वे. फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एक और लिखो, फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एंड लास्ट, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय मोतीलाल नेहरू. डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने कहा था ड्राफ्ट, यानी कि हमारी कंट्री में उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी थी बाय मोतीलाल नेहरू. तो 5 स्टेटमेंट्स आर देयर एंड हर स्टेटमेंट के आगे जो है वो ईयर विल बी गिवन टू यू, बट इट विल बी रॉन्ग. ठीक है, देन यू हैव टू मैच इन करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ईयर्स. इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस में आपने इसको ऑर्डर करना होगा. एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू लाइक ए बी सी एंड डी. ठीक है, लेकिन वो आप तभी मैच कर पाओगे जब आपको इन इवेंट्स का पता हो कि पहले कौन सी हुई बाद में कौन सी हुई ना. ठीक है, अब ये है क्वेश्चन. अब अपने आप पहले, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, राइट डाउन द करेक्ट आंसर योर सेल्फ. राइट डाउन करेक्ट आंसर, लिखो इसका. राइट डाउन करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर लिखो और उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अरेंज करो सीक्वेंस में. पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, थर्ड क्या हुआ. हरी अप.
Yes, online students, raise your hand who have completed. Some of students, they can complete side by side. Yes, raise your hand those who have completed. Don't look at the back sheets. Yes, try to complete. अब आप खुद सोचो कि एमसीक्यू का मतलब क्या है, कि सम ऑफ द स्टेटमेंट्स विल बी गिवन, इयर्स विल बी गिवन, यू हैव टू मैच, और मैच करने के बाद आपको करेक्ट ग्रुप जो है वो ग्रुप सर्च करना है कि कौन सा ग्रुप होगा. लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट आंसर क्या है. यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डन और नॉट? हरी अब You are taking too much time. आप सोचो एमसीक्यू है, क्योंकि एमसीक्यूज होंगे ना, अगर इतना टाइम लोगे तो जो है पेपर कैसे कंप्लीट कर पाओगे. नो यू विल नॉट आस्क. आई वॉन्ट टू जस्ट चेक हु विल कंप्लीट फर्स्ट. कौन करेगा? यस, रेज योर हैंड. हाँ तो रेज योर हैंड, आई हैव टोल्ड यू. यस हाँ जी, फर्स्ट. Where? Huh? Demand of Constitution. Yes, job. In which year? 1928. ये first आएगा. Then second. बोलो सारे answer बोलो. Second. हाँ, very good. उसके बाद 1930. Very good. Third. Forming. 1946. Fourth. 1950. Yes, 1980. ठीक है, year wise. तो जब आप दोनों चैप्टर पढ़ लोगे ना, तो दोनों चैप्टर में हर चैप्टर की ना ऐसे एक अपना एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर प्रिपेयर करो, जिसमें आपको पता होना चाहिए. वैसे अगर नहीं भी प्रिपेयर किया ना, आपके टिप्स में होना चाहिए कि इनमें से जितने भी आपने इवेंट्स पढ़ी हैं, इनमें से कौन सी इवेंट पहले हुई, मिक्स करके भी आ सकता है. इट डजंट मीन कि जो मैच द कॉलम्स ग्रुप में होंगे वो एक ही चैप्टर से होंगे. दोनों चैप्टर्स की, सिविक्स के तो दोनों चैप्टर्स हैं, उनको मिक्स करके भी मैच द कॉलम्स आएंगे. लेकिन आप ये सोचो कि ये पांच क्वेश्चन है, इनका एक एमसीक्यू है. ठीक है, मैच द कॉलम्स करके आपने इसको ग्रुप में, जो ग्रुप होगा, जिस ग्रुप में आपने सही मैच किया होगा, अरेंज किया होगा, उस ग्रुप को आपने टिक कर. ऐसे ही और मैं आपको देती हूँ प्रैक्टिस के लिए. राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन. हाँ, सीक्वेंस मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान. मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान. मिलिट्री कूप, COUP, कूप का मतलब होता है अटैक. जैसे आजकल तालिबान काबुल पे अटैक कर रहा है, पूरा एयरपोर्ट कैप्चर कर लिया मिलिट्री के बेस के ऊपर, है ना. मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान. देन सेकेंड, रेफरेंडम इन पाकिस्तान. देन बिकमिंग ऑफ साउथ अफ्रीका रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक. बिकमिंग ऑफ साउथ अफ्रीका, कौन से ईयर में रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक बना था? बिकमिंग ऑफ साउथ अफ्रीका रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक. इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. कितने हो गए? फोर. चलो करो जल्दी से, हरी अप. अच्छा एक और लिख लो, कराची सेशन. हाँ जी, अब इसको ऑर्डर में करो जल्दी से.
मैच का कॉलम्स, मैच का कॉलम भी आ सकता है, एग्जैक्ट सीक्वेंस आपको आ सकता है लाइक 1, 4, 5 ठीक है, 3, 2 सेकंड में आ सकता है 2, 4, 3 कोई भी ऑप्शन है इनमें से आपको करेक्ट जो है सीक्वेंस, अगर तो सीक्वेंस होगा तो सीक्वेंस आपको टिक करना पड़ेगा, मैच का कॉलम होगा तो ग्रुप ऐसे होगा लाइक अगर ए है A1, B है ठीक है तो बी का कौन सा होगा थर्ड, सी है तो उसका फिफ्थ हो सकता है और डी है ठीक है ABCD उसका हो सकता है सेकंड, कौन सा रह गया फोर्थ, ई है तो फोर्थ, ये हो गया ए ऑप्शन, लेकिन बी में क्या हो सकता है, ए में सेकंड विल बी गिवन ठीक है, बी में क्या होगा चेंज कर दो इधर, इसमें फर्स्ट हो सकता है, सी में फोर्थ हो सकता है, डी में थर्ड हो सकता है और ई ई में क्या हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे ही सी विल बी गिवन, कितने मैच बनते हैं ना, एटलीस्ट अगर 5 है तो 5 ही ऑप्शन बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से करेक्ट जो मैच होगा उसको टिक करना पड़ेगा, आप क्लियर है कि नहीं, मैं एक बार फिर आपको करवा के दिखा दूंगी एंड ठीक है, डन गर्ल्स में मान्य, हां जी नंबर 1 कराची सेशन इन विच ईयर 1931 हां जी 1947 1994 1999 yes. So this is the best way to learn years side by side, years learn हो जाते हैं and sequence, जब आप दोनों chapter अच्छी तरह से पढ़ लोगे ना आपको पता होना चाहिए कि year जब आप learn करते हो तो sequence जब हम करोगे तो कैसे होगा, अभी कई बच्चों को आई थिंक ग्रुप जो है वो नहीं समझ में आ रहा, मैं एक बार फिर से प्रैक्टिस करवा देती हूँ, लाइक हम 3 ऑप्शंस लेते हैं ठीक है, नंबर 1 हां जी यहाँ पे लिया हमने ए बी सी, यहाँ पे लिया 1, 2, 3 ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं सपोज अपार्ट ही, यहाँ पे लिखा साउथ अफ्रीका ठीक है, फिर हम लेते हैं सपोज कोई भी सेकंड ऑप्शन ले लिया, पार्टी का नाम लिखते हैं पी आर आई कौन सी कंट्री में, मैक्सिको, और यहाँ पे लेते हैं INC इंडिया ठीक है, आप मैच बाद में करोगे लेकिन पहले आप देखोगे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस आपको दिए हो सकता है कोई भी ऑप्शन हो सकता है सपोज 1 में 2 में और 3 में ठीक है, पहले राइट आंसर मैच करते हैं हम, राइट आंसर क्या होगा, इट मींस ए PRI मींस बी 1 एंड INC ठीक है सी 3, 3 ऑप्शंस हैं, अब बाकियों में ऑब्वियसली गलत होगा बाकी जो ऑप्शंस हैं ठीक है, लाइक यहाँ पे क्या होगा A 3 B 2 एंड C 1, इसमें क्या होगा A 1 B 3 एंड C 2, तो विच विल बी द राइट ऑप्शन सबसे पहले मैच करो और उसके बाद दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, चाहे ये 3 में है चाहे 4 में, ऐसे आपको ऑर्डर में करना है, ये आपका फर्स्ट काइंड ऑफ MCQ है, क्लियर, अब लिखो सेकंड assertion एंड रीजनिंग, क्लियर है गुरपाल, कोई डाउट, लक्ष्य 1931 बेटा 1931 उस चैप्टर में जो सीक्वेंस है ना उसमें क्या है 1928 में सबसे पहले मोतीलाल नेहरू जी ने डिमांड किया है ना 1928, उसके बाद 1930 पूरन स्वराज, 1931 पूरन स्वराज 26 जनवरी ठीक है 1930 जिस डेट को हमने बाद में याद रखा था ना, उसके बाद 1931 कराची सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, इसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया था 1935 में जिसमें इंडियंस को क्या दिया था राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, और उसके बाद 1937 में फर्स्ट टाइम इंडिया में इंडियंस को क्या मिला राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस,
1937 में इलेक्शंस हुए एंड इंडियंस दे बिकेम द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड फ्रॉम 1937 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था एंड ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है आज भी हम उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड किया हुआ है यानी कि ब्रिटिशर्स ने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए 35 के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हम आज भी इनको फॉलो कर रहे हैं 35 के बाद इलेक्शंस प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1937 अब अगर इंडिपेंडेंस की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में मेन आप याद रखो कि इंडिपेंडेंस कौन कौन से ईयर में मैक्सिको को सबसे पहले मेरी 1930 इंडिया 1947 उसके बाद नेक्स्ट है जिम्बाब्वे 1980 साउथ अफ्रीका 1994 इवेंट्स को ऐसे याद रखो ठीक है चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन एंड रीजनिंग एजर्शन ए एंड आर फॉर रीजनिंग ठीक है अब पहले फोर स्टेटमेंट्स जो है वो नोट करो नंबर वन बोथ ए एंड आर करेक्ट फर्स्ट जो आएगा आपको ए ऑप्शन बोथ ए एंड आर करेक्ट बोथ ए एंड आर एजर्शन एंड रीजन मैं आपको स्टेटमेंट बाद में देती हूँ पहले ऑप्शन देखू बोथ ए एंड आर करेक्ट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion reason is the correct explanation of assertion both a and r are correct reason is the correct explanation of assertion b mein kya aa sakta hai both a and r are correct but reason is not the correct explanation of assertion सी में क्या आ सकता है ए इज ट्रू सपोज ए इज ट्रू बी इज या आर इज फॉल्स इसमें क्या आ सकता है इज फॉल्स आर इज ट्रू अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट जो है वो बताती हूँ ठीक है यस फर्स्ट क्वेश्चन लिखो ए assertion फर्स्ट क्वेश्चन हाँ ऑप्शन आ सकती है कोई बात नहीं आप जो स्टेटमेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट हो तो assertion लिखो साउथ अफ्रीका बिकेम रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बिकेम रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक In 1994, South Africa became Republic and Democratic in 1994. Next, R में लिखो Reason. African National Congress fought for the rights. African National Congress fought for the rights for black people. African National Congress fought for the rights of black people. Which option will be? A. A will be. Both are correct. And मैंने आपको बताया वो Democratic Republic हुआ लेकिन उससे पहले reason क्या था? That African National Congress they fought for their rights. Many people they sacrificed their lives and due to this when they raised their voice then international level pe South Africa ko apni policy ko chhodna pada and they turned democratic and republic theek hai ye ho gayi isme hoga a option will be correct ab hum iske according karte hain b ke according alag se statement likho second question Indian Constituent Assembly
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट्स ऑल रीजन्स एरियाज, मतलब रीजन्स एंड सेक्शंस, सेक्शन का मतलब होता है कम्युनिटी या रिलीजन, ऑल रीजन्स एंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उसमें कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं था, दे रिप्रेजेंट ऑल द रीजन्स एरियाज एंड सेक्शंस। ये हो गया assertion. Next लिखो, next. In India, still many people are living in slums areas. पहले लिखो, in India, many people are living in slums areas. दोनों में कोई connection ही नहीं है, ठीक है? Both are true. But reason is not the correct explanation of assertion. तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? बी, ठीक है? ये हो गया आपकी सेकंड कैटेगरी का। थर्ड, इसमें ए इज ट्रू बी इज फॉल्स। तो इसमें पता ही आपको, एक स्टेटमेंट जो होगी ट्रू होगी, दूसरी क्या होगी? फॉल्स, ठीक है? एंड डी आ सकता है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ये कैसा आ सकता है? सी लिखो, मैक्सिको, मैक्सिको गेन फ्रीडम, मैक्सिको गेन फ्रीडम इन 1930 एंड वन पार्टी रूल टिल नाउ। मैक्सिको गेन फ्रीडम, मैक्सिको नहीं, ये तो एक ही बताया ना मैंने अभी, एक ही बताया, कोई बात। मैक्सिको गेन फ्रीडम इन 1930 एंड वन पार्टी इज रूलिंग टिल नाउ। नेक्स्ट आर लिखो इसका, आर, जिम्बाब्वे गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, जिम्बाब्वे गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड वन पार्टी इज रूलिंग टिल नाउ। साफ पता लग रहा है कि इज ट्रू, ही इज फॉल्स, इसमें आएगा। मैंने आपको, हाँ मैंने आपको बताया, जिम्बाब्वे गेन्ड फ्रीडम इन 1947 एंड टिल नाउ वन पार्टी इज रूलिंग, तो इसमें गलत क्या है? यर गलत है, तो आर इज फॉल्स, ठीक है? आगे लिखो डी, जिसमें ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, आपको फाइंड आउट करना है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 26 जनवरी 1950, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 26 जनवरी 1950, आर लिखो, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ठीक है? तो ये हो गए सेकंड कैटेगरी एमसीक्यूज, assertion एंड रीजनिंग। कोई डाउट किसी को? स्टेटमेंट को देख के आपने आंसर जो है फाइंड करो। नेक्स्ट आ जाओ सोर्स बेस, नेक्स्ट थर्ड इज सोर्स बेस भी आ सकता है, केस स्टडी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सोर्स बेस और केस स्टडी क्वेश्चन। सोर्स बेस और केस स्टडी ना वन एंड द सेम थिंग होता है, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन विल बी गिवन, देन यू हैव टू फाइंड द आंसर्स, मे बी आंसर्स आर नॉट इन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, ठीक है? हिंट्स विल बी गिवन, you have to find hints yourself, it will be a 4 marks and 5, but it will be in the form of MCQs. like main aapko source likhwa rahi hu, source likho, pehle source likho, all the non democratic countries, main just aapko example bata rahi hu, all the non democratic countries in the world, all the non-democratic countries in the world are developed, but democratic countries are like India, these are still developing. No doubt,
नो डाउट पॉलिटिकल इक्वालिटी इज गिवन टू ऑल, नो डाउट पॉलिटिकल इक्वालिटी इज गिवन टू ऑल, बट स्टिल डिस्क्रिमिनेशन कैन बी फेस्ड. स्टिल नो डाउट पॉलिटिकल इक्वालिटी इज गिवन, वोटिंग राइट सबको मिला, चाहे बैगर भी है उसके पास अगर आईडी कार्ड है, वोटर कार्ड है तो वो भी वोट कर सकता है. नो डाउट पॉलिटिकल इक्वालिटी इज गिवन, बट स्टिल दे फेस डिस्क्रिमिनेशन, स्टिल दे फेस डिस्क्रिमिनेशन. अब ऑप्शंस लिखो. वेट, ये हो गया आपका सोर्स. नंबर वन, रिकॉग्नाइज डेमोक्रेटिक कंट्रीज, रिकॉग्नाइज डेमोक्रेटिक कंट्रीज, या कोई भी आपको चार कंट्रीज ही होंगी उनमें से आपने डेमोक्रेटिक कंट्री रिकॉग्नाइज करनी है. नंबर वन सऊदी अरेबिया, नंबर टू फिजी, नंबर थ्री एस्टोनिया, नंबर फोर इंडिया. डेमोक्रेटिक, हाँ जी, सऊदी अरेबिया, फिजी, एस्टोनिया, इंडिया. जब मैंने आपको बार बार कहा हुआ है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तीन कंट्रीज आपने बुक में पढ़ी है, तो इंडिया क्या है डेमोक्रेटिक और ये क्या है नॉन, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इंडिया. ठीक है, सेकंड लिखो. राइट टू वोट, सेकंड राइट टू वोट कंप्राइज ऑफ, राइट टू वोट कंप्राइज ऑफ ऑल द अडल्ट्स. राइट टू वोट कंप्राइज मतलब, कंप्राइज का मतलब किसको मिलता है, राइट टू वोट कंप्राइज ऑफ ऑल, ऑल द अडल्ट्स. तो हेयर अडल्ट मींस, हेयर अडल्ट मींस नंबर वन ओनली मैन अबव 18, ओनली मैन अबव 18, ओनली विमेन अबव 18, ऑल मैन एंड विमेन अबव 18, All men and women above 18, all men and women above 21. सी ऑप्शन, इंडिया का ही है. तो सोर्स ने मतलब जस्ट आपको एक एग्जाम्पल बताया है कि इंडिया में डेमोक्रेटिक है और राइट टू वोट है. ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल सोर्स से लग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सारे आंसर आपको सोर्स में ही होंगे. चलो वो भी क्वेश्चन बना देते हैं. यस, इन लोकसभा मिनिमम एज टू कंटेस्ट इलेक्शन, गुरुपाल का क्वेश्चन है ना, इन लोकसभा मिनिमम एज, क्योंकि मैंने आपको बताया ना पॉलिटिकल इक्वालिटी की सबको इक्वालिटी है, इन लोकसभा मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, इन लोकसभा कितनी है, नंबर वन 30, नंबर टू 18, नंबर थ्री 21 एंड नंबर फोर 25. राइट आंसर इज 25. हाँ जी, ये हो गया आपके सोर्स बेस भी आ सकता है ना, केस स्टडी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. तो कई बच्चे सोचते हैं कि सोर्स बेस में सारे आंसर्स इसमें मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता. मे बी टू थ्री आंसर यू कैन रिकॉग्नाइज, बट सम ऑफ द क्वेश्चन. सोर्स बेस का जस्ट मतलब क्या होता है कि आपको एक एग्जैक्ट आउटलाइन दे दी गई है और आपको आइडिया हो जाएगा कि इंडिया के बारे में है, तो इंडिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता ही है. ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन और लिखो, सोर्स बेस क्वेश्चन लिखो. अफ्रीका नेशनल कांग्रेस वॉज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस वॉज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का मतलब होता है जो बाकी सारी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्ट करती है और उनको एक यूनिफॉर्म जो है वो प्लेटफॉर्म देती है. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन विच फॉट अगेंस्ट वाइट यूरोपियन रूलर्स. नंबर वन, हु वॉज अ लीडर ऑफ ANC? नेल्सन मंडेला. आंसर आपको आता ही, जस्ट क्वेश्चन फॉर्म में लिखो. आपको जस्ट एक ट्रैक पे ले गए हैं कि ANC के बारे में अब सारे क्वेश्चन होंगे इसमें, है ना, हु या अफ्रीका के बारे में होंगे. हु वॉज अ लीडर ऑफ ANC?
अफ्रीका नेशनल कांग्रेस या हु स्पेंट 28 इयर्स इन जेल? नेल्सन मंडेला. हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट? यस. एंड फोर्थ, हु वाज चार्ज्ड ऑन प्रिजन इन साउथ अफ्रीका? इट मीन जितने भी क्वेश्चन है वो सारे साउथ अफ्रीका से हैं. अफ्रीका नेशनल कांग्रेस इसके प्रिजन देशद्रोह चार्ज लगाना ना, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाना. ठीक है, इसके ऊपर लुई 16 ही यू कैन से वाज इन्वॉल्वड इन कॉन्स्पिरेसी इन प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, यानी कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया के किंग के साथ मिलकर ही प्लान टू अटैक ऑन हिज ओन कंट्री. प्रिजन. हाँ जी, ओके. एनी डाउट? एनी डाउट बेटा?